ये है दोनों बेटा फिशेस, ये है मेल प्लाकट और ये फीमेल प्लाकट, ठीक है। सो इन दोनों का समझने का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो है कि मेल जो होता है उसका सामने का जो तो फिन्स है, नीचे के सामने के फिन्स वो लंबे होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं उनका सामने का फिन्स छोटे होते हैं। फीमेल का जो स्टोमक होता है वो गोल होता है देखिए, और मेल का जो स्टोमक होता है वो साइड से स्ट्रेट होता है, पीछे वाले एंगल से स्ट्रेट होता है, ठीक है। जो फीमेल होता है उनका नीचे का एक स्पॉट रहता है, छोटा सा एक स्पॉट है देखिए एनल में, उसका एनस में उसका छोटा सा एक स्पॉट रहता है, उस ये डिमार्केशन करता है कि वो फीमेल है और वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है। और ये जो मेल है इनके पास नहीं रहता, देखिए आप नहीं है इनके पास एनसी। ओके, मेल जो रहता है वो बबल नेस्ट बनाता है, 80% मेल्स बबल नेस्ट बनाते हैं, कुछ मेल्स बनाते नहीं है, फिर भी वो मेल्स ही है, ठीक है। फीमेल्स जो है वो एकदम ही नहीं बनाते, हाँ एक दो फीमेल्स निकल जाते हैं वो बना लेते हैं और कोई नहीं बनाते। सो ये कुछ ट्रिक्स थे, सबसे इजी ट्रिक्स वर्ल्ड के जो मेल फीमेल को समझने का, ठीक है। और एक चीज़ जो है कि वो मेल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं फीमेल्स से, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको बेटा फिश का ब्रीडिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा वो है पेयरिंग, ठीक है। इसके लिए एक आपको ऐसा कंटेनर लगेगा, ऐसा ना लेके आप छोटा सा एक्वेरियम भी ले सकते हैं जिसमें बीच में ग्लास सेपरेटर है, ठीक है। वो ग्लास सेपरेटर से मेल फीमेल को देख पाए ऐसे, ठीक है, उससे पेयरिंग करवा पाएंगे आप। वैसे आपको उन दोनों को एक साथ एक सप्ताह की तरह रख देना पड़ेगा, एक सप्ताह नहीं सॉरी दो तीन दिन रख देना पड़ेगा, जिससे मेल फीमेल को देख पाए, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है वो देख पा रहे हैं। ओके, इससे पेयरिंग होगा, ये ऑलरेडी 3 वीक्स से पेयरिंग में है, मेरे पास जगह नहीं है भूल के पेयरिंग में नहीं बिठे, ठीक है। और अगर न्यू पेयर आप सेट कर रहे हैं तो फिर पहले ऐसा पेयरिंग में दीजिए, सेकेंड और एक टाइप ऑफ पेयरिंग है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फुल स्पॉनिंग वीडियोस के साथ, वो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। सो ये था कुछ सबसे इजी ट्रिक्स जिससे आप समझ सकते हैं कि बेटा फिश को कैसे मेल फीमेल समझते हैं उसको छोड़ के पेयरिंग। अब आपको मैं बोलने वाला हूँ कलर्स, कैसे आप समझ सकते हैं कि आपका बेटा फिश का कलर्स और टेल बेस्ट क्वालिटी का निकलेगा। इसके लिए आपको पहले मेल चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट क्वालिटी का, जैसे इसको चूज़ किया, जैसे इसको चूज़ किए, इसका कलर्स आप देख ही सकते हैं कितना ब्राइट है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पीछे से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, फिर भी इसका कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये है फीमेल, इसका थोड़ा सा हल्का कलर्स है, उसका नो प्रॉब्लम, बिकॉज ज़्यादातर मेल्स जो होते हैं वो ही जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है। जो इससे आप अगर मेल ज़्यादा कलरफुल हो और फीमेल कम कलरफुल हो पर अच्छा क्वालिटी का टेल हो उसका, जैसे मेरे वाले का है, तो फिर आप उसको बिना कोई चिंता का बिठा दीजिए। इससे क्या होगा, बेटा फिश का जो पेयर होगा वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो छोड़ के बच्चा का कलर्स भी अच्छा होगा, टेल भी अच्छा होगा। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला मेल को देखिए, मेल का कलर्स और टेल सबसे बेस्ट होना चाहिए, फीमेल का टेल्स अच्छा हो फिर भी चलेगा, ठीक है। ये था और एक ट्रिक जिससे आप बच्चा को आप समझ सकते हैं कैसा बच्चा होगा इसका। मैं ये पूरा दिखाऊंगा आपको बच्चा क्या क्या हुआ है, अभी उसका तो टाइम लगेगा। और इस पेयर को अभी मैंने ब्रीडिंग में नहीं बिठाया, मैं और एक पेयर को ब्रीडिंग में बिठाया जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो गाइस लाइक कीजिए, आप अगर नए हो चैनल में तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझे हेल्प करते चाहिए गाइस, और मैं भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दे रहा हूँ। मुझे पता है इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है वीडियो का, पर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा ये मैं बोल सकता हूँ। सो होप यू लाइक द वीडियो, कर दीजिए जो बोला, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में फुल मैं आपको स्पॉनिंग फॉनिंग सब दिखाऊंगा, बेटा फिश का एक स्पॉनिंग सब दिखाऊंगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। बोनस टिप गाइस, अगर आप बेटा फिश ब्रीड करवाना चाहते हैं तो फिर और एक और दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा, उसका ब्रीडिंग बिहेवियर और ब्रीडिंग का एज। तो ब्रीडिंग का एज होना चाहिए एक बेटा फिश का 4 to 5 months एज, ठीक है। और एक चीज़ होना चाहिए और समझते कैसे कि बेटा फिश रेडी है ब्रीडिंग के लिए, वो है कि अगर आपका मेल बेटा 4 to 5 months का एज का है और वो बबल नेस्ट बना रहा है तो फिर आप समझ जाएंगे नहीं ये बेटा ब्रीडिंग के लिए रेडी है। और फीमेल में अगर उसका
एक स्पॉट दिखाई देना शुरू कर देता है और उसका पेट में एक्स रहता है जैसे अभी है, ठीक है। तो ये भी और एक इंडिकेशन है और अग्रेसिवनेस दिखा रहा है। देखिए वैसे ये तीन है इंडिकेशन है कि वो अभी रेडी है विनिंग के लिए। जैसे इसके पेट में भी अंडा है और एक स्पॉट भी इसका विजिबल आ रहा है इसमें, ठीक है। तो फिर ये और तो बोनस टिप्स है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा स्पॉनिंग का, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।